हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी फैमिली ब्लॉग में। और अभी शाम के लगभग 4 बज चुके हैं, तो दिन भर मैंने आसरा रखा कि मिट्टी ले आएंगे तो मैं इन सब प्लांट्स को लगा दूंगी, बट मिट्टी नहीं आया। तो मैं इसको क्या करती हूँ कि घर के ही, ये देखिए इसमें गोइठा रखा हुआ था उपले, जो कि बारिश के कारण भींग गए हैं, तो यही सब का जुगाड़ आज मैं करके इस पौधे को लगाऊंगी। तो इतना सारा देख सकते हैं आप लोग, ये उपले भींगे हुए हैं और थोड़ी थोड़ी मैंने 3-4 गमलों में से मिट्टी निकाल ली है, और उन सब मिट्टी को निकाल के मैं यहाँ पे जमा कर लूँगी इन प्लांट्स को लगाने के लिए। तो एक मेरे पास मिट्टी की हांडी थी जिसमें मैंने दही जमाया था ना शिव में, क्या कहते हैं, मकर संक्रांति में, तो वही में आज भी मैं प्लांट्स को, एक प्लांट्स को उसमें लगा दूंगी और एक इस डिब्बे में लगाऊंगी और एक और किसी गमले में लगा दूंगी। तो देखिए थोड़ी थोड़ी सब में से 3-4 गमले की मिट्टी मैंने यहाँ जमा कर ली है, और इन सब को मैं इस उपले में मिला देती हूँ तोड़ तोड़ के। और यहाँ पे देखिए ये हांडी, इसमें एक ढेला मैंने रख दिया है सीमेंट का, इसमें मैंने होल कर दिया है ताकि जब ऊपर से पानी दूँ ना तो पानी आराम से निकल जाए। और इसमें मिट्टी भर के, और उसके बाद मैं इसमें ये रजनीगंधा का जो पौधा है वो लगा देती हूँ। और रजनीगंधा का पौधा ना उन्होंने 35 रुपये में दिया है, और 35 रुपये में ही नीलम का भी पौधा है, दोनों को वो 100 रुपया मांग रहे थे, बट एक पड़ोसी बैठी हुई थी उन्होंने ये दाम कर दिया है, मोल भाव करना जानती हैं वो, तो इसीलिए मैं जब भी लेती हूँ ना कोई रहता है तभी लेती हूँ। तो मतलब कि ये दोनों हो गया 70 रुपये में, और एक बेली का है ये वाला, तो ये है 20 रुपये का, तो टोटल मतलब कि 90 रुपये में तीनों प्लांट्स मेरे हो गए हैं। और जब ये लग जाएंगे ना तो सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। वैसे मार्केट में ना ये ज़्यादा दाम में ही मिलता है, पटना वगैरह से अगर मंगाते हैं तो यही प्लांट्स की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, बट गली में आराम से सही दाम में ये मिल जाता है। और इन्हीं भैया से जो आए थे ना, उन्हीं से मैं हमेशा ही प्लांट खरीदती हूँ, सारे प्लांट्स लगभग लगभग मेरे उन्हीं से लिए हुए हैं। और मैंने उनसे कहा कि मुझसे ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने बताया कि आप DAP खाद एक एक चुटकी सारे पौधों में डाल दीजिएगा तो पौधे अच्छे से बढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं डालिएगा नहीं तो जल जाएंगे। तो मैंने भी सोचा है कि हाँ, खेतों में डाला ही जाता है DAP खाद, तो वही गांव से मैं मंगा लूँगी थोड़ा सा और मैं डाल दूँगी, देखूँगी, पहले एक दो प्लांट में ही डालूँगी, अगर ये अच्छे से लग जाते हैं तो मैं ज़रूर डालूँगी। तो देखिए ये गमले में मैंने नीलम का पौधा लगा दिया यहाँ पे, और अब आ गई हूँ मैं नीचे। तो यहाँ आया था फुचका वाला, यानी कि पानी पूरी वाला, तो विकास ने लिया है, तो वही उसमें से मैं 2-3 खा लेती हूँ। और अभी चलती हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी करने। तो खाने में मैं आज आलू की पूड़ियाँ बना रही हूँ, आप देख सकते हैं आलू को मैंने उबाल लिया, और उसके बाद इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च काट के डाली है, 2 प्याज काट के डाले हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो कूट के भी डाली है, और नमक तेल मिला के मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसको भर लेती हूँ, अभी मैं समय भर लेती हूँ, ये सब मैंने दिखाया नहीं आपको क्योंकि पहले भी मैं बना चुकी हूँ, तो मौसम तो लग रहा था बारिश बारिश का, बट अभी बारिश हुई नहीं है, फिर भी ये सब खाने में अच्छा लगता है जब मौसम कुछ ठंडापन रहता है ना, तो ये सारी चीज़ें तली हुई अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए ये पूड़ियाँ यहाँ पे तैयार है, इसे हम लोग आलू की सब्जी के साथ खाएंगे। और आटा मैंने जब लगाया था ना तो उसमें मैंने जो घी बनाया था ना उसका मावा डाला था, जिसके कारण ना ये एकदम खस्ता बने हैं। तो देखिए हम लोग अभी इसके साथ खा रहे हैं, थोड़ा सा फेनूस भी है, फेनूस लाए थे, दूध ही आया था मैंने घर में, इसको गुड़ डाल के बनाया हुआ है। और ये अगला दिन है 11 तारीख, तो अभी मैं चाय पी रही हूँ, सुबह सुबह ही है, और यहाँ पे विकास भी है और उनके पापा भी हैं, तो वो लोग भी कुछ बातें करते जा रहे थे, मैंने उनको चाय दे दिया था पहले ही, वो लोग पी चुके हैं। मैं पहले गर्म पानी लेती हूँ ना, तो उसके आधे घंटे के बाद ही चाय लेती हूँ, तो मेरी चाय अभी रखी हुई थी तो अभी मैं चाय पी रही थी। और अब आ गई हूँ ऊपर चाय पीने के बाद, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब्जियाँ तोड़ के रखी गई हैं, बोरो जिसको बीन्स भी कहा जाता है। तो चलिए जब मैं ऊपर आई हूँ तो ये रूम भी दिखा देती हूँ, किचन के बगल वाला देख लीजिए कितना प्लास्टर हुआ है।
देखिए आधा आधा पूरा हो गया है सीलिंग भी, और नीचे की दीवार भी आधी बाकी है। तो आ जाएंगे तो ये लोग करेंगे आधा। और यहाँ पे देखिए ये सब मसाला जो मिलाया जाता है ना वो रखा हुआ है। और ये दीवार इतनी भीग गई थी ना कि इस पे प्लास्टर चढ़ नहीं पा रहा था। तो चलिए अब चलते हैं बाहर। और ये देखिए सुबह सुबह बाहर का नज़ारा। और यहाँ पे देखिए ये लोग फिर से और सब्जी तोड़ने चले गए हैं। तो एक दिन बोरो वगैरह टूटता है, कभी तरोई टूटती है, यानी कि तरोई नेनुआ को कहते हैं हम लोग। तरोई है, बोरो है, साग भी, पालक की साग, अभी लाल साग तो नहीं है लेकिन पालक की साग वगैरह है। तो ये सब ज़्यादातर सब्जियों की ही खेती करते हैं, तो रोज़ सुबह में ही तोड़ते हैं और मंडी ले जाते हैं बेचने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने परवल और आलू को फ्राई कर लिया है। थोड़े से मैंने एक बड़ा साइज का प्याज कट कर लिया छोटे छोटे। और ये यहाँ देखिए कढ़ाई चढ़ी हुई है, कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ फोरन और चटक भी देती हूँ। और यहाँ देखिए मसाले तैयार कर लिए हैं मैंने। इसमें प्याज, टमाटर, मिर्च और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, काली मिर्च, ये सब डाल के मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। सब एक ही साथ मैंने पीस लिया है और इसको एक ही साथ डालूंगी। तो देखिए कट गए हैं, तो मैं इसमें हरी मिर्च और तेज पत्ता डाल देती हूँ और इसको थोड़ा सा चटकने दूंगी। उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल के भून लूंगी। तो ये देखिए तेल में फ़ौरन अच्छे तरह से चटक गए। तो मैंने इसमें प्याज डाल के और इसको मैं ब्राउन करने तक भूनूंगी। और ये सब्जी जो है ना, मैंने परवल को साबुत ही रहने दिया है, बस बीच से एक चीरा लगा दिया है और आलू और परवल को अलग अलग फ्राई करके निकाल लिया है। तो देखिए ये सब्जी भी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, एकदम भरवा परवल की तरह। तो अब मैंने मसाले डाल दिए हैं, जबकि प्याज भुन चुके थे ना, तो मैंने मसाले डाल दिए हैं और सारे मसाले इसमें मैंने मिक्स करके पीस लिए हैं। और साथ में मैंने नमक भी डाला हुआ है। तो इसको फिर मसाले को भून लेंगे अच्छी तरह से। और भूनने के बाद मैं इसमें गर्म पानी डाल दूंगी, उसके बाद सारी सब्जियों को डाल दूंगी और मेरी सब्जी जो है बनके तैयार हो जाएगी। और मुझे ना सब्जी में ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए थी, इसीलिए मैंने 2 प्याज और 2 टमाटर मसालों के साथ पीस लिए हैं। और 1 प्याज का तो मैंने फ़ौरन डाल दिया था। तो देखिए लगे हाथ ये सब बर्तन छोटे मोटे जो होते हैं ना, वो भी मैं धो के रखते जाती हूँ। इस तरह से ना किचन ज़्यादा फैलता नहीं है और एक देखने में साफ़ सुथरा लगता है। तो छोटे मोटे काम लगे हाथों मैं करते ही जाती हूँ। और नीचे आपको केला दिख रहा होगा, ये भी घर से आया था, तो अब तो ख़त्म हो चुके हैं, बस 2-3 ही बचे हैं। और बाहर देखिए बारिश भी शुरू हो गई है। तो आजकल बारिश का कोई सही नहीं रहता है, कभी भी बारिश होने लगती है। आप देख सकते हैं हल्की फुल्की बारिश हो रही है अभी। तो देखिए अभी मसाले भुन ही रहे थे और मेरे हस्बैंड आम लेके आ गए हैं। तो जितने भी मेरे बागीचे में आम थे ना, वो सारे एक दिन ही टूट गए हैं। तो यहाँ पे 1 बोरा लाए हैं, बाकी सारे आम जो हैं घर पे ही हैं, गांव में ही। लगभग 5-6 मन के करीब आम हो निकला था पेड़ से, और अभी और ज़्यादा निकलता, बट इस बार आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आ गए ना, तो कुछ मतलब कि झड़ गए पेड़ से। और कुछ बीज गाँव में है तो सभी लोग तोड़ भी लेते हैं, तो क्या कर सकते हैं। नहीं तो ये बोल रहे थे कि अभी 2-3 महीने कम से कम और ज़्यादा निकलता। तो अभी मैं उनको चाय दे देती हूँ, और ये चाय भी नहीं ले रहे थे, बिजी थे आम ही रखने में टोकरी में। और ये देखिए मेरी सब्जी, मैंने पानी वगैरह इसमें डाल दिया है और इसे ढक के अब पका लूँगी। तो देखिए सारी सब्जी हमारी तैयार हो गई है, हमारा लंच बन चुका है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। सुबह मैंने रोटी बनाई थी इसके साथ, और दोपहर को थोड़ा सा चावल बना लिया है, और उसके बाद मैंने नहा धो लिया। तो चलिए अब मैं अपना भोजन करती हूँ, और सारे लोग तो कर ही चुके हैं, और अब मैं खा लेती हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, और मेरी वीडियोस में आप लोगों को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो अभी मैं खाना खा रही हूँ और मिस्त्री लोग अपना काम कर रहे हैं। किचन के बगल वाला रूम सुबह मैंने दिखाया था ना, उसको उन लोगों ने फिनिश कर दिया है, पूरा कर दिया है। और अब वे लोग बाहर का कर रहे हैं, बाहर जो लोहे की रेलिंग लगी हुई ना उस साइड काम कर रहे हैं। और मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, अगर आप कोई लोग एडवाइस देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ, मिलती हूँ एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।